दोस्तों नमस्कार, विजय आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आयुर्वेदिक में आज आपको ऐसी दवाई बताने जा रहे हैं कि ये दवाई कहाँ कहाँ काम करती है। पहले तो आप देख लीजिए कि जैसे कि ये फुलबेरी सफ़ेद दाग, जिसे हम सफ़ेद दाग बोलते हैं, और जैसे कि कील मुहासे, और हमारी माता बहनों व बच्चों को जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है तो ये उंगलियों में फंगल एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, और ये सोराइसिस है, इस पे भी ये दवाई काम करती है, और हर्पीज एक रोग होता है उस पे भी ये सारे पे दवाई काम करती है। तो दोस्तों समय न गमाते हुए, और इसका रिजल्ट 2 से 3 दिन में मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि सफ़ेद दाग है, इस पे थोड़ा देर से रिजल्ट आता है, 20 दिन के अंदर आना शुरू हो जाता है। बाकी ये इन पे 2 से 3 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। आपने बहुत सारी तरह तरह की क्रीमें लगाई होंगी, लेप भी किए होंगे, चंदन का भी लेप किया होगा, तरह तरह की बहुत औषधि लगाई होंगी, आपको आराम नहीं पड़ा। दोस्तों यहाँ पे जो आराम है 2 से 3 दिन में मिलना शुरू हो जाता है। तो आइए दवाई के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये सीप भंग भस्म पाउडर है। सीप भंग भस्म, जो समुद्र के अंदर सीप निकलता है उसको हंडी में जलाया जाता है, फिर भस्म बनाई जाती है, और ये बम्बई में मिल भी जाता है। तो कैसे दवाई बनानी है दोस्तों, ये आपने 10 ग्राम लेना है, और ये नीम के पत्तों का पाउडर है, ये आपने 3 से 4 ग्राम लेना है, ऐसे मिक्स कर देना है, ये दवाई बनके तैयार हो जाती है दोस्तों। उसके बाद में ये एप्लीकैप नीम का कैप्सूल आता है, जैसे कि ये दिखा दीजिए, एप्लीकैप के नाम से आता है, वो कंपनी का लें, इसी कंपनी का लें, कंपनियां तो और भी एक कैप्सूल बनाती हैं, पर इसी अच्छी कंपनी का लें। और उसके बाद में आपने कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, मान लीजिए मेरे यहाँ पे दाग है या फुलबेरी का, तो आपने इसको यहाँ पे बना के आपको दिखा देते हैं, इसमें ये मिलाना है, मिक्स करना है इस तरह से कैप्सूल, इस तरह से जितने होते हैं पेस्ट की तरह बनाना है। उसके बाद में दोस्तों ये कैप्सूल के अंदर ही बनाया जाता है, एप्लीकैप जो कैप्सूल है इस तरह, ये शीशा है, शीशे के ऊपर भी बना सकते हैं। और आपने सिंपल ही मान लीजिए हमारे जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं, आपने नॉर्मली इसी तरह लगाना है, इस तरह लगा के छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। अगर हमारे उंगल में, पैर के उंगल में या हमारे हाथ के उंगल में जो सर्दियों में फंगल हो जाते हैं, उस पर ऐसे लगा के छोड़ देना है दोस्तों, 1 दिन के अंदर ही फंगल में आराम मिलना शुरू हो जाता है, और रात को नींद नहीं आती है, आराम की नींद लेते हैं हम। और सोराइसिस पे भी ऐसे ही लगाना होता है, और ये जुराबों के अंदर जो सीप भस्म जो पाउडर है, इसको जुराबों के अंदर रखना पड़ता है, 20 से 25 दिन में सर्दी वाली खुजली बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कुछ इसमें डाबर बैद्यनाथ की आयुर्वेदिक दवाई देते हैं दोस्तों। पहले तो आप ये घर पे ही बना सकते हैं, अगर घर पे नहीं बनता है तो ये पाउडर आप हमसे भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इस पाउडर का जो प्राइस है वो 670 रुपया 50 ग्राम है, 670 रुपया 50 ग्राम। ऑनलाइन अगर मंगवाएंगे तो इसमें पार्सल खर्चा भी पड़ जाता है, लेबर खर्चा और क्लिनिक डॉक्टर की भी फीस जुड़ के आती है। तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, नहीं तो किसी पंसारी की दुकान से ये ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपने ठीक होना है तो आप हमारे यहाँ से ये दवाई मेडिसिन मंगवा सकते हैं, और बहुत जल्दी ही ठीक होंगे। आपने बहुत क्रीमें लगाई होंगी, मैं गारंटी देता हूँ कि बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमारे या और भी मेडिसिन दी जाती हैं आयुर्वेदिक में, तो दोस्तों इसके परहेज भी थोड़े से करने होते हैं। वह आपको या ये जो मेडिसिन है आपको बनानी नहीं आ रही है, इसकी विधि आप भूल जाते हैं, तो आप 10 बजे से 12 बजे के बीच आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9914453031, 9914453031। तो 10 बजे से 12 बजे के बीच आप हमसे बात कर सकते हैं दोस्तों, इसकी सलाह हम सारी जानकारियां देते हैं। और अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगता है या लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में जाके अपना
हमें बताना अपनी राय कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये दवाई कैसी लगी। तो दोस्तों 1,000 रुपये का खर्चा आता है मात्र महीने का। 1,000 रुपये में आप पुरानी से पुरानी अपनी ये जो एलर्जी, सोराइसिस, हर्पीज, ये सफ़ेद दाग, ये सारी बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा छोटा सा क्लिनिक है और ये हमारा लाइसेंस भी है पंजाब सरकार का। और भी सभी बीमारियों का हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक में इलाज होता है, तो आपको दिखा देते हैं। जैसे कि सांप काट लेता है किसी को, वह वो इलाज भी हमारे पास होता है। जैसे कि दोस्तों एलोपेशिया एरेटा का भी इलाज होता है।